सो हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 12 का जो ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर है उसका कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला उसका लिस्ट हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं, और उसको याद करने का जो है ट्रिक मैं आप लोग के बीच बताऊंगा कि उन लोग को कैसे याद करना है ताकि हम लोग जो इजी से इजी वे में क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहला इसी कड़ी में फार्मूला आता है हम लोग का कन्वर्जन में। ठीक है, प्लीज़ आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, मैं आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आप लोग के बीच डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसी कड़ी में आता है कन्वर्जन फार्मूला। ठीक है, तो कन्वर्जन फार्मूला में क्या होता है कि हम लोग को दूसरे रूप में जो है चेंज करना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मुख्यतः तीन टाइप के जो है फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फार्मूला है कि साइन इनवर्स ब्रैकेट में रहेगा साइन एक्स। ठीक है, एक बार साइन इनवर्स जो है बाहर रहेगा, ठीक है, एक बार साइन इनवर्स जो है ब्रैकेट में आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डिफरेंस। ठीक है, तो दोनों इक्वल है, किसी का मतलब कोई मतलब नहीं है। तो जो इनवर्स वाला फंक्शन रहेगा और जो नॉन इनवर्स वाला फंक्शन रहेगा वो आपस में कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, एक्स बचेगा। ठीक है, उसी प्रकार जैसे कॉस के केस में होगा कि कॉस एक बार इनवर्स बाहर रहेगा, एक बार इनवर्स जो है अंदर में आ जाएगा। ठीक है, दोनों इक्वल रहते हैं क्योंकि आपस में जो है कैंसिल होके वन जो है बनता है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्म जो मतलब आंसर आएगा वो एक्स आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार टेन का केस में होगा कि एक बार टेन अंदर होगा, एक बार टेन बाहर होगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा इनवर्स और नॉन इनवर्स, और जो इज इक्वल टू बचेगा हमारा एक्स बचता है। ठीक है, तो ये बेसिक सा फॉर्मूला है जिसको आप लोग को याद करना है। ये क्वेश्चन में बहुत तायत रूप में जो है यूज़ होता है। ठीक है, तो क्या है, मैं इसको आप लोग को लिस्ट दे रहा हूँ, आप लोग इसको अपने फॉर्मूला शीट में भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग अपना जो नेक्स्ट आता है वो कन्वर्जन फार्मूला है। ठीक है, हम लोग को साइन को कॉस में चेंज करना रहता है, कॉस को टेन में चेंज करना रहता है, टेन को हम लोग को कॉट में चेंज करना रहता है। तो इस प्रकार से हम लोग को एक फंक्शन को हम लोग को दूसरे फंक्शन में चेंज करने के लिए हम लोग कन्वर्जन का फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो कन्वर्जन का फार्मूला कुछ इस प्रकार से बनता है कि जैसे साइन इनवर्स एक्स का हम लोग को कन्वर्जन फार्मूला निकालना है। ठीक है, मैं आपस आप लोग को लिख के बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि हम लोग को साइन इनवर्स एक्स का हम लोग को कन्वर्जन फार्मूला निकालना है, तो जैसे हम लोग यहाँ पर सपोज़ करके चलते हैं कि इसके बट्टे में कुछ नहीं, मतलब क्या है, एक है। ठीक है, फिर हम लोग इसको मानते हैं कि साइन एक केस में क्या होता है, ये लंब होता है और ये क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, लंब बट्टे कर्ण होता है। ठीक है, या मतलब उसके बाद क्या होता है कि हम लोग को पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, यहाँ पर पाइथागोरस हम लोग प्रमेय यूज़ करते हैं। ठीक है, पाइथागोरस से, तो पाइथागोरस से क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग त्रिभुज की कल्पना करते हैं, तो लंब क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को इसको फाइंड करना है, हम लोग को ये पता नहीं है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, सी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, ए बी का स्क्वायर ऐसा होता है। ठीक है, तो ए आप मान को रख देंगे, सी डी का मान कितना है, एक का वर्ग, प्लस ए सी का मान कितना है, एक्स का स्क्वायर, और ए बी का मान हम लोग को नहीं पता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ए बी को हम लोग को निकालने वाले। ठीक है, तो अब एक का मान एक हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पास आप लोग को समझ में आ रहा है कुछ, हाँ। तो ठीक है, अब लोग हम लोग एक्स को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो वन माइनस एक्स इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब स्क्वायर को इधर हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स इज इक्वल टू ए बी। तो ए बी को जो मान निकला, यही हमारा जो है ए बी का मतलब जो आधार का फॉर्मूला है ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आधार हो गया। तो यहाँ पास हम लोग देख सकते हैं लंब कितना है अपना, लंब इज इक्वल टू एक्स, और कर्ण इज इक्वल टू कितना है, वन, और जो आधार निकला है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पास देख सकते हैं आधार है हमारा, हमारा आधार कितना हो जाएगा, वन माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पास एक्स स्क्वायर आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पास एक्स स्क्वायर आया, उसके बाद हम लोग कॉस का देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि कॉस का अपन लोग को यहाँ पास निकालने के लिए बोला है, तो कॉस का कैसे हो जाएगा, यहाँ पास देखते हैं हम लोग, जैसे कॉस का निकालना रहेगा, तो कॉस का क्या होता है, यहाँ पास हम लोग पढ़े हैं आधार बटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है, आधार बटा कर्ण होता है कॉस का। तो आधार का हम लोग क्या निकाले हैं, वन अपॉन वन माइन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पास से लिख सकते हैं अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और कर्ण कितना मान है, एक, तो एक को हम लोग नहीं लिखते, तो यहाँ पास से क्या हो जाएगा, इसका मान जो है अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पास से। इसी प्रकार इसे कॉस का
बनता है, ठीक है। फार्मूला कैसे बनता है उसको मैं आप लोग के बीच बताया। उसी प्रकार टेंस टेन का आप लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पास कॉस के बटे में कुछ नहीं, मतलब क्या है, एक है। उसी प्रकार टेन का जैसे पाइथागोरस प्रमेय यूज़ करके आप लोग टेन का निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर आप लोग को, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आप लोग को शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इसको कॉपी में नोट कीजिए और याद करना है, ठीक है। तो जैसे उसी प्रकार कॉट का हम लोग को निकालना रहता है, तो कॉट का जस्ट अपोजिट रहता है तो एक्स नीचे में आ जाएगा और वो अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर जो है ऊपर में चला जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग का कॉस का होता है, कॉस का क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसी प्रकार इसी ए टेन का फार्मूला में क्या होता है कि अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स होता है, ठीक है। उसी प्रकार कॉट का हम लोग जस्ट अपोजिट कर देते हैं तो कॉट इनवर्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग अब टाइप टाइप ए में पढ़ते हैं कि दो टाइप से हम लोग को निकालना रहता है, कि हम लोग को माइनस में रहता है तो क्या लिखते हैं और प्लस में रहता है तो हम लोग उसको क्या डिलीवर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले साइन इनवर्स का माइनस एक्स में फंक्शन रहेगा तो उसका माइनस ही रहेगा, ठीक है। और उसके बाद जैसे फर्स्ट टाइप में क्या रहेगा, साइन टेन और कोसेक रहेगा। नेक्स्ट फंक्शन में अपन लोग का क्या क्या शामिल हो जाएगा, इसका जो बचा हुआ भाग है वो शामिल हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि साइन को छोड़े, साइन के बाद क्या आता है, कॉस, साइन कॉस हो गया, फिर उसके बाद टेन आता है तो टेन इधर आएगा, फिर उसके बाद टेन के बाद क्या आता है, साइन कॉस टेन, कॉसेक कॉसेक को हम लोग इधर मतलब जस्ट अपोजिट इसको शामिल करना है, ठीक है। आप लोग को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा इसको, इसको याद करने के लिए आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग जैसे हम लोग माइनस साफ साफ लिख देते हैं, जैसे यहाँ पास माइनस आता है, माइनस में कोई फंक्शन रहता है तो साइन के इनवर्स में जो माइनस आता है वो सामने में आ जाता है, ठीक है, तीनों केस में होगा। बट जब हम लोग कॉस इनवर्स का जब माइनस में आता है या कॉट इनवर्स का जो माइनस में फंक्शन आता है या सेक स्क्वायर का जब भी आएगा तो हम लोग पाई हमेशा माइनस करते हैं, ठीक है। पाई हमेशा माइनस करना है, जैसे कोई भी फंक्शन दिया रहा है तो पाई माइनस करके अपन लोग को लिखना रहता है, ठीक है। तो ये लोग याद करिएगा और इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो अपन लोग का नेक्स्ट फार्मूला आता है वो साइन टू के फॉर्म में आता है, ठीक है। साइन टू का मान टू थीटा इज इक्वल टू होता है टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग का जो है साइन थ्री थीटा के रूप में आता है तो साइन थ्री थीटा हो जाएगा थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन स्क्वायर साइन क्यूब थीटा, ठीक है। उसी प्रकार कॉस का जस्ट इसी प्रकार से अपन लोग का नेक्स्ट कड़ी बढ़ता जाएगा तो वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये तो आप लोग याद कर सकते हैं, क्लास 11 का फॉर्मूला है, तभी से मैं आप लोग को फॉर्मूला शीट के थ्रू बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसके इसी प्रकार हो जाएगा कॉस थ्री थीटा इज इक्वल टू फोर साइन क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा टेन टू थीटा इज इक्वल टू टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग टेन टी थ्री थीटा का फॉर्मूला लिख सकते हैं थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं कि साइन टू थीटा, साइन टू थीटा का जो नेक्स्ट रूप है जो कि ट्वेल्थ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वो हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉर्मूला है टेन टू थीटा को, ये भी लिख सकते हैं हम लोग टेन के रूप में, जब हम लोग को कॉस और साइन के रूप में भी लिखना पड़े तब हम लोग को इसको कैसे लिखना है, टू साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, मतलब इसमें गुणा रहता है साइन कॉस, ठीक है। उसके बाद हम लोग को कॉस का लिखना रहता है तो कॉस का चार फार्मूला बनता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि आप लोग को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये फर्स्ट फार्मूला हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूला है टू साइन स्क्वायर थीटा मतलब जो माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार इसका हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद कुछ थ्योरम है, थ्योरम को आप लोग को डायरेक्टली याद करना है, इसका कोई ट्रिक नहीं है, मतलब याद करना ही पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। तो जैसे कि साइन स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स रहेगा। यहाँ पास से आप लोग इसको सुपर हेक्सागन के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हो तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पास रहता है साइन, यहाँ पास रहता है कॉस, ठीक है, इसका अपोजिट रहता है कॉसेक, ठीक है, यहाँ पास और उसका इसका अपोजिट रहता है कॉसेक, कॉसेक यहाँ पास रहता है टेन रहता है, ठीक है। टेन का अपोजिट क्या रहता है, टेन का अपोजिट रहता है कॉट, यहाँ पास कॉट रहता है, ठीक है, टेन का अपोजिट कॉट, कॉस का अपोजिट रहता है सेक, ठीक है, इस प्रकार से ये बनता है, ठीक है। तो यहाँ पास देख सकते हैं हम लोग साइन और कॉस का देख सकते हैं, तो साइन और कॉस का यहाँ पास सीधा सा संबंध बन रहा है, ठीक है। उसी प्रकार टेन और कॉट का सीधा संबंध बन रहा है ऐसे, उसी प्रकार टेन सेक और कॉसेक का क्या संबंध बन रहा है, सीधा सीधा यहाँ पास से हम लोग को देख सकते हैं। तो आप लोग यहाँ से याद कर सकते हैं तीनों फार्मूला, और इज इक्वल टू पाई बाई टू पाई बाई टू पाई बाई टू लिखना है आप लोग को, ठीक है।
उसके बाद जो इनवर्स का कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जिससे कि बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व करना रहता है, तो सबसे पहला इसी कड़ी में फार्मूला है, आप लोग को याद ही करना पड़ेगा। इसका कुछ ज़्यादा ट्रिक व्रिक तो नहीं है, तो आप लोग को एक बार पढ़ेंगे, बार बार लिख के देखेंगे तो आप लोग को ऑटोमेटिक जो है याद हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग का पहला फार्मूला इन्वर्स का, तो दो फंक्शन जब मल्टीप्लीकेशन में रहेंगे या माइनस में रहेंगे तब हम लोग को टेन को कैसे लिखना है, 10 इनवर्स ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, ठीक है। यहाँ पास गुणा हो जाएगा, और जैसे माइनस के केस में यहाँ पास जो है प्लस के जगह में माइनस आ जाएगा और माइनस के जगह में प्लस, जस्ट अपोजिट आप लोग को माइनस वाले केस में करना है, ठीक है। उसके प्रकार साइन का है उसी प्रकार फार्मूला, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर इसी फार्मूला से निकला है पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पास प्लस रहेगा तो प्लस यूज़ करना है, माइनस रहेगा तो माइनस यूज़ करना है। उसके बाद जो हो जाएगा हमारा वाई जो है बाहर निकल जाएगा और एक्स जो है अंदर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग का जो है कॉस कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस माइनस, वही आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें जो दोनों ब्रैकेट होगा वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि मल्टीप्लाई में आप लोग को लिखना है, इसमें प्लस प्लस लिख सकते हैं, बाकी इसमें हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग का है 10 इनवर्स प्लस 10 इनवर्स y 10 इनवर्स z, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 10 इनवर्स x प्लस y प्लस z इज माइनस एक्स वाई जेड हो जाएगा, ठीक है। इस अपान में क्या हो जाएगा 1 माइनस x y माइनस y z माइनस x z हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग का छोटा सा यहाँ पास एक और टॉपिक बनता है कि 2 10 इनवर्स x का मान हम लोग को पूछता है तीन रूप में हम लोग को कैसे लिखना रहता है, तो तीन रूप में हम लोग जो है साइन के फॉर्म में लिखना रहता है, तो हम लोग 2x अपॉन 1 प्लस x करते हैं। यहाँ पास आप लोग 1 सपोज करके चलना, ठीक है, x के अपॉन में 1, फिर आप लोग को जो है फार्मूला जो है मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपन लोग का जो नेक्स्ट यही मतलब चलता रहेगा, 2 10 इनवर्स का हम लोग कॉस के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर 1 अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग जो है 10 का नेक्स्ट देखते हैं, तो 10 2 10 इनवर्स x अपॉन इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास से आप लोग इजिली याद कर सकते हैं, मैं एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं आप लोग को फिर से दिखा देता हूँ, ठीक है। आप लोग इसको फार्मूला शीट को अपने घर में चिपका के रखिए ताकि आप लोग को एग्ज़ाम टाइम में जो है याद करने के लिए दिक्कत सामना करना पड़े। और प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा, मैं आप लोग के बीच ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोग के बीच लाता रहूँगा। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, ताकि और जो भी कमेंट जो भी रहे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ताकि मैं आप लोग के बीच वो सभी वीडियो आप लोग के बीच ले आ सकूँ, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन।